पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पूरे देश की निगाहें हैं। कारण एक ही छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी से है तो दूसरे छोर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर है। पर बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि 2014 लोकसभा और 2017 विधानसभा चुनावों को छोड़ दें तो उसके बाद 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए ये इलाका सुकून देने वाला नहीं रहा है। 2019 लोकसभा चुनावों में यहाँ बीजेपी ने अपनी 5 लोकसभा सीटें गंवा दी थी तो 2022 विधानसभा चुनावों में कई जिलों में पार्टी का सूपड़ा ही साफ हो गया। इसी तरह 2019 में 3 लोकसभा सीटें ऐसी थीं जहां मामूली वोटों से पार्टी कैंडिडेट चुनाव जीत सके थे। बीजेपी के सबसे बड़े 2 महारथियों के प्रभाव के बावजूद पार्टी की ऐसी दुर्गति क्यों है, 2024 में क्या समीकरण बन रहे हैं, आइए देखते हैं। 2019 के आम चुनाव में आजमगढ़ सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। यादव और मुस्लिम बहुल इस संसदीय सीट पर MY फॉर्मूला काम करता रहा है। हालांकि अखिलेश के रिजाइन करने के बाद हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से करारी हार मिली और बीजेपी के प्रत्याशी भोजपुरी एक्टर और सिंगर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को जीत मिली थी, पर जीत का अंतर काफी कम हो गया। 2024 में समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी के जीत का कारण बने BSP कैंडिडेट गुड्डू जमाली अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। BSP इस बार कई प्रत्याशी बदलने के चलते पहले जितना प्रभावी नहीं है। घोसी सीट, पिछले चुनाव में घोसी लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय ने चुनाव जीता था। अतुल राय को 1,22,568 मतों के अंतर से जीत मिली थी, पर इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। समाजवादी पार्टी से राजीव राय तो बहुजन समाज पार्टी से बालकृष्ण चौहान उम्मीदवार हैं। बालकृष्ण यहां से एक बार सांसद रह चुके हैं। NDA ने यहां से सभासपा के अनिल राजभर को उम्मीदवार बनाया है। अनिल सभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। बीजेपी ने घोसी के तारा सिंह चौहान को बीजेपी में शामिल किया था कि चौहान वोटों का फायदा हो सकेगा, पर BSP उम्मीदवार के भी नोनिया जाति से होने के चलते ये फायदा अब NDA कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। इसी तरह बीजेपी को सवर्ण वोट भी मिलने की उम्मीद भी अब कम है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भूमिहार समुदाय के कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है। तीसरा गाजीपुर, गाजीपुर लोकसभा सीट से 2009 का आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी के अफजाल अंसारी ने जीता था। उन्हें अफजाल अंसारी ने 1,19,392 मतों के अंतर से हराया था। गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के मनोज सिन्हा 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार मनोज सिन्हा के ही खास पारसनाथ राय को बीजेपी से टिकट मिला है। मनोज सिन्हा जब से कश्मीर के राज्यपाल बने हैं तब से उनके नाम और काम की काफी चर्चा है। उन्हें लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास समझने लगे हैं। इसके चलते उनका प्रभाव गाजीपुर में कुछ काम कर सकता है, पर मुख्तार अंसारी की मौत के चलते समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अफजाल अंसारी को सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद है, पर इस बार बहुजन समाज पार्टी अफजाल अंसारी के साथ नहीं है इसलिए यहाँ की लड़ाई इस बार कांटे की है। जौनपुर लोकसभा सीट से भी 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। 1989 से 2014 के बीच बीजेपी ने यहां से 4 बार लोकसभा का चुनाव जीता था। इस बार बीजेपी ने मुंबई में पूर्वांचल के लोकप्रिय नेता कृपाशंकर सिंह पर दांव खेला है, पर उनका मुकाबला बाबू सिंह कुशवाहा से है जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के बाद किसके सर पर सजेगा ताज? मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में कितना हुआ विकास? बिना बात को घुमाए द खबरदार न्यूज आपको दिखाएगा हकीकत। इसमें है जनता का भरोसा, कौन करेगा देश पर राज?